हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं शेफ आकाश, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पाव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मसाला पाव बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने पाव के लिए मसाला बनाते हैं। उसके लिए हम लेंगे ये वाइट बटर। मैं वाइट बटर यूज कर रहा हूँ, आप नॉर्मल बटर भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं अब इसमें ये लहसुन डालूंगा जो मैंने काट रखा है। फिर मैं इसमें ये प्याज डालूंगा अपने जो मैंने फाइनली चॉप कर रखी है। ये मैं अपनी प्याज को अच्छे से भून लूंगा जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। ये मेरी प्याज अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसमें ये फाइनली चॉप कटी हुई शिमला मिर्च डालूंगा और इसको ही मैं प्याज के साथ अच्छे से भूनूंगा। ये हमारी शिमला मिर्च भुन चुकी है। अब मैं इसमें अपने ये फाइनली चॉप यानी कि बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दूंगा और इसको भी मैं अच्छे से भूनूंगा। मैं टमाटर डालने के बाद साथ ही साथ इसमें आधा चम्मच नमक डाल दूंगा और इसको अच्छे से मिलाऊंगा। नमक डालने से टमाटर अपना पानी जल्दी छोड़ देगा और वो जल्दी भुन जाएगा। ये हमारे टमाटर भी भुन चुके हैं। अब मैं इसमें ये आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगा और आधा चम्मच पाव भाजी मसाला। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगा। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालूंगा। अब मैं अपने मसाले में ये बारीक कटा हुआ धनिया डालूंगा और इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगा धनिया डाल के। हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। अब हम अपने पाव को सेकेंगे। अब पाव सेकने के लिए हमने अपना ये तवा गरम कर लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा वाइट बटर डालूंगा ये मैं अपना पाव को ऐसे करके सेकूंगा। मैं ऊपर से भी इसमें थोड़ा सा वाइट बटर लगा देता हूँ। मेरा पाव एकदम सिक चुका है। अब मैं इसमें अपना ये मसाला डालता हूँ बीच में।
थोड़ा सा मसाला मैं पाव के ऊपर भी लगाता हूँ। मैं इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूंगा। और हमारा मसाला पाव बनके रेडी हो गया है, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये हमारा मसाला पाव बन चुका है,